हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स वाला। और जीडी की एक और टॉपिक जिसे एवरेज या औसत कहते हैं, उसकी क्लासेस हमने स्टार्ट कर दिया। ऑलरेडी हमने दो चैप्टर कवर कर लिए हैं जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आपके आएंगे, जिसमें सिंप्लीफिकेशन और डिस्काउंट दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोज़ तो जाकर सबसे पहले प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, वो देख लीजिए। काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट है और सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो 19, 20, 21 के जो जीडी के एग्ज़ाम हुए उसमें पूछे गए, सारे वही क्वेश्चन है। और आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा है वो एवरेज स्टार्ट कर रहा है, और एवरेज में भी हमने उन क्वेश्चनों को लिया है जो पिछले साल आ चुके हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है, जैसे बात करें एमटीएस या फिर जीडी के जो मोस्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, वो सारे क्वेश्चन लिया। और सारे कॉन्सेप्ट हम ईजी वे में आपको बताने वाला है। आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो इस बार के जीडी में आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। साथ में ही 45 दिन के अंदर हमने पूरा टारगेट रखा है मैथ के सिलेबस को कवर करने वाला। ये इसकी तीसरे जो है ये टॉपिक है। सबसे पहले डिस्काउंट कवर कर लिया, उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन, और अब ये एवरेज हम टॉपिक कवर करने वाला है। और इसमें भी हम काफ़ी सारे वो क्वेश्चन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। और बहुत इजी है, जैसे एवरेज में क्या होता है कि बहुत एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आपने 6th-7th से पढ़ते हुए हैं एवरेज, ठीक है, उसी का केवल एक आपको जो क्वेश्चन है उसको समझना है, और उसको कॉम्पिटिटिव लेवल में किस तरीके से सॉल्व करता है वो आपको केवल तरीका आना चाहिए। बाकी ये सारे जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपने पहले कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम में सॉल्व किए हुए हैं। जो स्टूडेंट पहली बार क्लास में जुड़े हैं या फिर अभी अभी जो है कंपटीशन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आपको 45 दिन के अंदर जीडी का मैथ का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में, और वो भी YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो आज जो है हम एवरेज, जिसे हिंदी में औसत कहते हैं, तो इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा बहुत सबसे पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जानते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में कि औसत होता क्या है। देखिए, औसत एक तरीके का एक मेथड है जिसमें इक्वल मतलब बराबर जो है हिस्से किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम मानते हैं कि 5 दोस्त हैं, जिसके पास में एक के पास में 5 आम है, एक के पास में 2 आम है, एक के पास में 3 आम है, एक के पास में 10 आम है, और एक के पास कोई भी आम नहीं है, मतलब 0 है। ये 5 दोस्त हैं। हमने क्या किया कि इन सब के आमों को ले लिया, ठीक है, इन सब के आम को ले लिया, तो यहाँ पर कितने हो गए, 20 आम हो गए, ठीक है। अब इन 20 आम को यहां से, एक मिनट, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, तो अभी हमने क्या किया कि सबके आमों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा करने के बाद में आपको क्या करना है कि इन 20 आम को डिस्ट्रीब्यूट करना है फिर से इन्हीं में, भाई इनसे लिए हैं तो इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक समूह से लेते हैं तो एक समूह में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन इस बार कंडीशन क्या है कि ये जो 20 आम हैं इनको हमें इक्वल डिवाइड करना है सबके अंदर। अभी आप देखोगे यहाँ पर जो ये पहली स्टेज है जिसे हम स्टेज बोल लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके पास 5, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 10, इसके पास में कुछ भी आम नहीं है। तो यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर अभी इक्वल डिवाइड नहीं है, किसी के पास में ज्यादा है किसी के पास में कम है। लेकिन अभी हमें जो ये 20 आम इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनको केवल इक्वल सबके पास में क्या आने चाहिए, बराबर। तो हमने 20 में किसके भाग दे दिया, 5 का, क्योंकि 5 समूह है, 5 दोस्त है, 5 में बांटना है तो 5 का भाग दे दिया। तो यहां पर आंसर आया आपके 4, तो इसको 4 आम दे दिए, यहां पर 4, यहां पर 4, इसको 4 और इसको 4। अब आप देखोगे अभी भी टोटल क्या है, 20 आम है। लेकिन पहली स्टेज और इस सेकंड स्टेज में क्या अंतर है कि पहली स्टेज में सबके पास में अलग अलग थे, किसी के पास ज़्यादा थे, किसी के पास कम थे, किसी के पास थी नहीं। लेकिन सेकंड स्टेज में जब हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया तो सबको क्या आया, बराबर आया, मतलब सबको इक्वल आ गए। तो यही जो ये सेकंड स्टेज है, यही इसी को हम बोलते हैं औसत। औसत, और औसत का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पर क्या किया, ये जितनी भी राशियाँ थी इनका हमने योग किया, इसको ऊपर रखा, और बटे में कितनी थी, संख्या कितनी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 थी, 5 को भाग दे दिया। तो जो ये निकल के आता है ये डायरेक्टली हमारा क्या होता है, औसत होता है, एवरेज होता है। ये एक आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसी के बेस पे ये सारे क्वेश्चंस होंगे। लेकिन
आपको मैं थोड़ी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, किस तरीके से अपना टाइम बचा सकता है, और थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल पाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे हमें सपोर्ट मिलेगा, व्यूज़ मिलेंगे, हमें लगेगा कि हाँ हमारी मेहनत काम आ रही है, और हम आपके लिए और भी क्लासेस लेकर आएंगे, प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगा। तो अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो आपको शायद मैं इतनी सारा सब जो है क्लासेस ना दे पाऊँ। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है दोस्तों, 45 दिन के अंदर हमारा टारगेट है एसएससी जीडी मैथमेटिक्स का कोर्स पूरा कंप्लीट कराने का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन वाइज मैं आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स बताता जाऊंगा, किस कौन से क्वेश्चन में किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, सब कुछ बताएंगे बिल्कुल बेसिक से। देखिए यहाँ पर है, ये संख्याएँ दी हुई है, कितनी संख्याएँ, 5 तो ये दे रखी तथा 1, तो मतलब ये इसी में से है, तो ये 6 संख्याएँ दे रखी है, इनका औसत कितना है 38 है, तो आपको x का मान ज्ञात करना कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप पहले से एक वो फॉर्मूला लगा लीजिए जो आप अभी तक लगाते आए हैं, औसत का, एवरेज का, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या फिर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो राशियाँ कितनी है, यहाँ पर देखिए औसत का फॉर्मूला है, औसत राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग कितना है देखिए, 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27, और ये x भी है, x की वैल्यू पता नहीं है। बटे में कितनी संख्या है, तो यहाँ पर 6 संख्या है, ये लीजिए। आपका औसत कितना निकल के आएगा, क्वेश्चन में ही दे दिया इनका औसत कितना है 38 है। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है, जोड़िए इनको, 7 और 6 13 और 1 14 और 9 23, 23 और 5 28, 28 2 2 4 2 4 8 12 और 3 15 और 3 18 188 प्लस x नीचे 6 बटे 38 बराबर 38। पक्षांतरण कीजिए, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 6 इधर भाग में है, बटे का मतलब भाग में है, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, 188 प्लस एक्स बराबर 38 इंटू 6। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना निकल के आएगा, देखिए मैं आपको एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आएगा, 38 को 6 से गुणा कीजिए, कितना आएगा, 48 4 18 और 4 22। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 188 को हमें क्या करना है, पक्षांतरण करेंगे, इधर की साइड भेजेंगे, तो ये प्लस का है तो किस में चला जाएगा, माइनस में, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 228 में से 188 आप घटा दीजिए, तो एक्स बराबर कितना आ गई 40, ये आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। अब सवाल ये आता है कि क्या आपको इतना बड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना बड़ा करोगे तो आपके पास में एग्ज़ाम में टाइम ही नहीं बचेगा। तो आपको यहाँ पर देखिए कौन कौन से स्टेप, ये आपको फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, रखना है तो इसको माइंड में, ये जो आप जोड़ रहे हैं ये इनको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको माइंड में कैलकुलेशन चाहिए। आपको जो स्टेप ध्यान में रखनी है वो केवल यहाँ से रखनी है, ये वाली, यहाँ पर भी आपको ये वाली स्टेप याद नहीं रखनी, आपका डायरेक्ट दो लाइन में आंसर आएगा। कैसे, देखिए आपको ये जो संख्याएं हैं सारी की सारी यहीं जोड़ लेनी है, 7 और 6 13 14 23 28, 2 2 4 8 12 15 और 18, इसको 6 से गुणा किया, प्लस में x है क्योंकि 6 संख्याएं, 38 गुणा 6, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 228 माइनस 188 40, इतनी सब क्वेश्चन करने की। और इसमें से भी आप ये ज़्यादातर कैलकुलेशन माइंड में करेंगे तो आपको बहुत बेटर होगा, लेकिन वो प्रैक्टिस से, टाइम ज़्यादा शुरू में लगे लेकिन आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, पहली चीज़ ये है। सबसे पहले आप अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दें, उसके बाद में टाइम पर ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि जीडी में आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक में y जोड़ दिया जाए तो औसत 47 हो जाता है,
कितना जोड़ रहे हैं, वाई जोड़ रहे हैं। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा कि प्रत्येक में से एक्स घटा दिया जाए, या प्रत्येक को दो से गुणा कर दिया जाए, तीन से गुणा कर दिया जाए, या फिर भाग कर दिया जाए, तो औसत इतना हो जाता है। तो ये एक्स का मान ज्ञात कीजिए, या फिर प्रत्येक संख्या में दो जोड़ने पर नया औसत क्या निकलेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इनको आपको लाइन एक लाइन में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, देखिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम मान लेते हैं कोई दो संख्याएं मान लेते हैं, कोई कुछ भी एग्जांपल के तौर पे मान रहे हैं हम इस क्वेश्चन पे करेंगे, पहले एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए मैंने ले लिया मान लीजिए 10, 15, 20, 25, 30 ये ले लिया, ठीक है। अब इनका मुझे औसत निकालना है, औसत तो जोड़िए, देखिए 10 और 15 25, 25 और 25 50, 50 और 50 100, औसत निकल के आया आपका 100 राशियों का योग बटे संख्याएं कितनी है 5, तो यहाँ पर निकल के आया 20, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, औसत आया है 20, ये औसत है, औसत 20। अब मैं इसमें सेकंड लाइन जो निकाल रहा हूँ वो निकाल रहा हूँ प्लस 5 करने पर, प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना 25, ये कितना 30, ये कितना 35। अब जोड़िए 15 और 25 कितने हो गए 40, 40 और 20 60, 60 और 30 90, 90 और 35 125 बटे 5, सॉल्व करेंगे 25 आंसर आया, इसको हटा देते हैं तो यहाँ पर एवरेज कितना निकल के आया 25, ठीक है। ऐसे ही माइनस 5 कर लेता हूँ मैं, तो 10 में से 5 गया तो 5, 15 में से 5 गया 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 25, जोड़िए 15 और 15 30, 30 और 20 50 और 75, 75 बटे 5 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 15 आंसर आएगा आपका, सही बात है, ठीक है बिल्कुल। अब मैं इसको एक और कलर ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ गुणा 5 से, ठीक है, गुणा 5 से क्या, तो देखिए ये हो गया 50, ये हो गया 75, ये हो गया 100, ये हो गया 125 और ये हो गया 150। जोड़िए देखिए 50 और 100 150, 150, 300, 400 और ये 500, तो 500 में हम 5 का भाग देंगे तो आंसर आएगा आपका 100, तो यहाँ पर ये आंसर निकल के आया 100। और इसी तरीके से हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 का भाग देते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझना है और चुटकियों में आंसर निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 में 5 का भाग 2 बार, यहाँ पर 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 6 बार गया। जोड़िए 6, 4, 10, 15 और 20, 20 में 5 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 4। अब हमने क्या किया, प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ भी लिया, घटा भी लिया, गुणा भी कर लिया और भाग भी कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर, रिजल्ट जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है। देखिए 20 था औसत, ये 20 से 25 बन गया, मतलब 5 की वृद्धि हो गई, 5 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपने प्रत्येक में क्या जोड़ा था, 5 जोड़ा था, ठीक है भाई, हो सकता है वैसे ही आ गया हो। दूसरे पे निकालते हैं, 20 से 15 में हो गया, मतलब 5 घट गया, क्यों घट गया, क्योंकि आपने सभी में से 5 घटा लिया, बात आ रही है ना समझ। चलिए तीसरा निकालते हैं, 20 से 100 हो गया, सीधा सीधा गुणा 5, क्यों गुणा 5 हुआ, क्योंकि यहां पर आपने प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया था, तो आपका औसत भी अपने आप 5 गुना हो गया, ठीक है। अगले पे चलते हैं, तो यहां से 4 पे आ गया, मतलब 20 में 5 का भाग दे दिया तो 4 आया ना, तो क्यों दिया, 4 कैसे बन गया, 5 का भाग कैसे चला गया, क्योंकि आपने प्रत्येक संख्या में 5 का भाग दे दिया। तो रिजल्ट ये निकल के आता है कि अगर प्रत्येक संख्या में
कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, कुछ भी गुणा करो, कुछ किसी का भी भाग दो, तो आपका जो औसत है वो भी उसी सीक्वेंस में होगा जिस सीक्वेंस में आप संख्याओं से छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। अगर संख्या में आप 5 जोड़ रहे हैं तो औसत में भी आपका 5 जुड़ जाएगा, घटा रहे हैं तो उतना ही औसत घट जाएगा, अगर किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो उसी संख्या से औसत भी गुणा हो जाएगा, किसी संख्या से अगर आप भाग दे रहे हैं तो वही जो है आपको यहाँ पर काम में आएगा। तो मतलब जो भी काम संख्याओं के साथ हो रहा है वो सीधा सीधा एज इट इज किसके साथ में होगा, यहाँ पर औसत के साथ में होगा। अब देखिए क्वेश्चन पे आता है, 8 संख्याओं का औसत 44 है, 44 से सीधा 47 हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि प्रत्येक में क्या जुड़ रहा है, वाई, तो यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, कितना बढ़ गया 44 से, 3 बढ़ गया, तो 3 क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने प्रत्येक में 3 जोड़ोगे तभी जाकर औसत भी 3 बढ़ेगा, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है SSC GD 2019 और ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। N1 और N2 संख्याओं का औसत 17 है, N2 तथा N3 संख्याओं का औसत 44 है, तो N3 और N1 का अपन को अंतर, मतलब N3 माइनस N1 निकालना है। देखिए इसके लिए छोटा सा एक मैं फिर से आपको लेके चलता हूँ, औसत का जो फॉर्मूला था वो था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये था फॉर्मूला, और इससे क्या निकल के आता है, औसत निकल के आता है, औसत निकल के आता है। अगर मैं यहाँ से योग निकालूँ कि भाई संख्याओं का योग क्या है, तो यहाँ से जो योग निकल के आएगा औसत और भाग में संख्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, गुणा में, बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हमें काम में लेना है, कैसे, देखिए मैं बोल रहा हूं N1 और N2 संख्याओं का औसत 17 है, औसत कैसे निकलता है, N1 प्लस N2 राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कितनी संख्या है, 2, तो यहां पर आ गया 17। यहां से अगर मैं समीकरण बनाऊं तो N1 प्लस N2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा भाग में, तो गुणा में चलता जाएगा, तो यहां पर 34, एक समीकरण आ गया, ठीक है। अगला देखिए, N2 प्लस N3 औसत निकालने के लिए संख्या कितनी है, 2, आपका आंसर आया 44, तो यहाँ से मैं N2 प्लस N3 निकालता हूँ, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका कितना हो जाएगा, 88, क्योंकि 2 भाग में गुणा में चल जाएगा। इसी तरीके से आपको N3 माइनस N1 निकालना है, तो ये कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, देखिए ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 2 में से, समीकरण 2 क्या है, N2 प्लस N3, इसमें से घटा देना क्या है, N1 प्लस N2 को घटा देना, तो देखिए घटाइए, N2 प्लस N3 माइनस प्लस माइनस का N1 माइनस प्लस माइनस का N2, ठीक है, क्लियर है। N2 ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में, N3 माइनस N1 ही तो बचेगा, और यही तो हमें ज्ञात करना था, आ रही है कि नहीं बात समझ में, तो आपको कुछ नहीं करना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है, समीकरण 2 का मान था 88, इसमें से आपको 34 घटा देना है, तो यहां पर जो आपका आंसर निकल के आएगा कितना निकल के आता है, 54, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना नहीं करना है, आपको क्या करना है, देखिए N3 माइनस N1 चाहिए आपको, ठीक है ना, तो N3 वाले को पहले लेना है, यहां पर औसत है तो औसत को 2 से गुणा कर दीजिए, योग आ जाएगा 88, ये हो गया N3 प्लस N2, अब इसको घटा दीजिए आप, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और यहाँ पर क्या बचेगा, N3 माइनस N1, तो 17 दुना 34, ये लीजिए कितना आएगा, 54, आपको केवल इतना ही करना है, ये सब आपको रामायण नहीं लिखनी, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 6 लगातार,
देखिए इसके दो तीन तरीके हैं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, कोई तरीका इतने ज़्यादा मतलब के नहीं है, आपको जो काम में लेना है कम्पिटेटिव एग्जाम्स में वो तरीका सिखा रहा हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को निकालते कैसे। देखिए औसत जब भी निकलता है ना वो एक बीच की संख्या होती है, क्या किसकी संख्या होती है, बीच की। जैसे अगर मैं कहूँ 10 और 20, इसका औसत निकालिए, तो 10 + 20/2 = 30/2 = 15, तो ये 15 क्या है, देखिए यहाँ से भी उतना ही है, यहाँ से भी उतना ही है। अगर अंतर समान है ऐसे, मतलब जैसे 11, 12, 13, 14 ऐसे अंतर समान होना चाहिए, अगर अंतर अलग अलग होगा तो ये एक ट्रिक काम में नहीं आएगी, लेकिन अगर अंतर समान है तो हमेशा बीच की संख्या ही आपका क्या आएगा, औसत। जैसे देख लीजिए और एक दो संख्याएँ और ले लेते हैं, जैसे 1 15 20 25 30 35 और 35 ले लीजिए, चलिए ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इनका औसत निकालना है, देखिए 15 और 20 35, ठीक है, 60 90 125 / 5, आंसर आया 25। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि क्योंकि अंतर समान है, इसमें अंतर क्या है, समान है, क्योंकि 5 का 5 का 5 का 5 का, तो इनमें से सबसे बीच की संख्या कौन सी है, यही है, 2 इधर छोड़ी 2 इधर छोड़ी 20, और यही तो आपका औसत निकल के आया है। तो औसत हमेशा रहता है, जब भी समान अंतर हो, समान संख्याओं के हो, अंतर समान हो, तो आपको जो बीचों बीच में जो संख्या ही आएंगी ना वही आपका क्या रहेगा, आंसर। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, इसमें एक और संख्या, चलिए यहाँ तो पता चल रहा था कि एक बीच में यही संख्या है, लेकिन अगर 6 आ जाए तो जैसे हम यहाँ पर 40 मान लेते हैं, तो यहाँ पर अब बताइए कितना आंसर आएगा, तो यहाँ पर अगर आप जोड़ोगे 125 और 40 165 हो गया, 165 में कितनी संख्याएं हो गई, 6 हो गई, 12 हो गई, 165 में आप भाग दीजिए, देखिए सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, 12 4 कितनी बार जाएगा, 7 बार 42 3, ठीक है ना, क्लियर है, पॉइंट लगाया 0 5 27.5। अब आपको ये इतना करने की ज़रूरत है, नहीं है, क्योंकि इसका आंसर आया 27.5। अब आप देखोगे तो तीन संख्याएं इधर, तीन संख्याएं इधर, यह इसके बीचों बीच में क्या है, इसके बीचों बीच में है 27, देखिए 25 और यहाँ पर है 30, ठीक है, 26 27 28 और ये 29, दो संख्याएं छोड़ी, दो संख्याएं इन दोनों के बीच में, 27 और 28 के बीच में क्या आता है, 27.5 आता है, तो यही तो आपका आंसर आया। तो जब भी अंतर अगर समान है, यहाँ पर अगर अंतर समान है, तो आपके जो भी संख्या बीचों बीच में होती है वही आपका आंसर निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं, देखिए अगर इसमें किस किस तरीके से आपका आंसर आ सकता है, देखिए इसका आंसर आया था आपके पास में 27.5, ठीक है, 15 और 40 का औसत निकालिए, 15 और 40 55/2 = 27, बिल्कुल, 20 और 35 का आंसर निकालिए, 55/2 = 27, 30 और 25 का एलसीएम निकालिए, आपको कितना होता है 55/2, यहाँ पर भी 27.5, क्या रीज़न है। जब भी अगर कोई समान अंतर में संख्याएं हैं तो आप उस औसत से कितना भी इधर उधर ले लीजिए, आप जो जितना इधर जाएंगे उतना ही उधर जाएंगे, दोनों अंकों का औसत वही निकल के आता है। जैसे यहाँ पर अगर मैंने 3 अंक इधर लेता हूँ तो 3 अंक इधर लेता हूँ तो यहाँ पर आंसर ये आएगा, दूसरा अंक लेता हूँ तो भी आंसर यही आएगा, पहला अंक लूँगा तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है, बात आ रही है समझ में। चलिए अब देखिए करते हैं स्टार्ट। अगर समान संख्याओं में विषम संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 विषम संख्याएं हैं 5, तो यहाँ पर एक संख्या कॉमन आ जाती है, लेकिन अगर सम संख्याएं जैसे 6, तो यहाँ पर बीच वाली संख्याओं के बीच में निकल के आता है यहाँ पर आंसर, तो ये दिखता नहीं है। अगर 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं तो आपको बीचों बीच में एक संख्या यहाँ आपके क्वेश्चन में मिल जाती है, लेकिन अगर 6 संख्याएं हैं तो वो आपको दिखती नहीं है, वो आपको निकालना पड़ता है, एक चीज़ का इसका ध्यान रखें, क्योंकि विषम संख्याओं में कॉमन लेना ऑब्वियसली बात है आसान रहता है, बीच की संख्या निकालना आसान रहता है, सम संख्याओं में बीच की संख्या नहीं निकलती तो हमें निकालनी पड़ती है। चलिए देखिए 6 लगातार संख्याएं, पहली चीज़ तो 1 2 3 4
पाँच छः, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझा रहा हूँ। और ये लगातार सम संख्याएं हैं, आपको पता है लगातार सम संख्याएं जैसे दो चार छः सब में दो दो का अंतर है, आठ दस लगातार लगातार, तो दो चार छः आठ दस बारह, तो लगातार ये संख्याएं हैं, तो आपको पता है कि अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा, तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट काम में आ सकता है। अब छः संख्याओं का औसत है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ये सम संख्याएं हैं, ये क्या हैं, सम संख्याएं हैं, और इनका औसत कहाँ पर निकल के आएगा, तो आप बोलोगे कि सर ये तीन इधर छोड़ दिया तीन इधर छोड़ दिया, तो यहाँ पर औसत निकल के आएगा, और इसका औसत पहले ही दिया हुआ है, कितना है, ग्यारह है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या यहाँ पर नौ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये तो सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं मतलब यहाँ पर दस होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर नौ नहीं आएगा, क्योंकि हम सम संख्याएं ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, आठ आएगा, यहाँ पर आएगा छः, यहाँ पर आएगा बारह, यहाँ पर आएगा चौदह, और यहाँ पर आएगा सोलह, बात आ रही है समझ। अब आपको कौन सी निकालनी है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी आ गई छः, सबसे बड़ी निकालनी तो सोलह, तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन देखने हैं। भाई छः संख्याएं हैं, तो छः संख्या एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पर आंसर है ग्यारह, सम संख्याएं हैं तो यहाँ पर दस, यहाँ पर आठ, यहाँ पर छः, ये लो आपका आंसर, कोई कैलकुलेशन नहीं है। बड़ी संख्या पूछता तो यहाँ पर ग्यारह, ये बारह, ये चौदह, और ये सोलह, ये लो आपका आंसर, बात आ रही है समझ में, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझ में आई तो आगे और समझ में आएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आठ के पहले चार धनात्मक गुणजों का औसत, पहले चार, पहले मतलब आठ गुणा का मतलब होता है एक, आठ गुणा एक, आठ गुणा दो, आठ गुणा तीन, आठ गुणा चार, ये चार गुणज हो गई आठ के पहले, धनात्मक लेना है, पॉजिटिव लेना है आपको, नेगेटिव में नहीं लेना, ठीक है ना, इनका औसत ज्ञात करना है। तो देखिए आठ ये हो गया सोलह, बत्तीस, सॉरी चौबीस, बत्तीस जोड़िए, दस और दस बीस, बीस बीस सॉरी दो दो चार पाँच और तीन आठ बटे दो सॉरी चार, तो आपका आंसर, क्योंकि चार संख्या है, दिख रहा है आपको, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से नहीं करना चाह रहे तो पहले आठ के पहले है ना, तो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार गुणज निकालना है, चार और तीन सात, नौ और एक दस, आठ गुणा दस संख्याएं कितनी है चार, ये कटा दो बार बीस आंसर। अब इस तरीके से कैसे लिखा वो भी देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इन सबको जोड़ेंगे, जोड़िए देखिए, यहाँ पर इनको मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख देता हूँ, आठ गुणा एक प्लस आठ गुणा दो प्लस आठ गुणा तीन प्लस आठ गुणा चार, आठ कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या बचा वन प्लस, यहाँ पर आठ आ गया दो बचा, यहाँ पर क्या बचा तीन, यहाँ पर क्या बचा चार, ये लीजिए। इसी तरीके से एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हैं, बस आपके बेसिक रूल्स क्लियर होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर सिक्स है 45 छात्रों की एक कक्षा में कक्षा की औसत आयु कितनी है 18। अब मैं अगर पूछूं कि ये जो 45 छात्र है इनका योग कितना होगा, आयु का योग कितना होगा, तो आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्लियर किया था कि जब भी योग निकालना है, योग निकालना है तो औसत को संख्याओं से गुणा कर दीजिए, क्योंकि संख्या नीचे होता है पक्षांतरण करके गुणा में चल जाता है, तो योग निकालने के लिए औसत गुणा संख्या हो जाती है, ठीक है, औसत गुणा संख्या। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक कक्षा में 45 छात्र है, तो 45 छात्रों की आयु कैसे निकालेंगे, औसत कितना है 18 और संख्या कितनी है 45, ये लीजिए। आगे क्वेश्चन पढ़िए, 35 छात्रों का औसत 15 है, 45 में से 35 छात्रों का औसत आयु कितनी है 15, तो इनका 35 का योग निकाल लीजिए, तो औसत कितना है 15, संख्या कितनी है 35 है, बचे कितने भाई 10, इनका निकालना है हमें योग निकालना है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहाँ पर 18 गुना 45 करिए आप, 18 गुना 45 करेंगे आपको आएगा 18 पंजे 90 और 81 810, 15 गुना 35 करिए, 15 5 75 7, 45 और 7 कितने हो गए यहाँ पर आपके 45 और 7 हो गए 52, ठीक है, ये आप गया आंसर। अब मैं अगर पूछूं कि भाई जो 45 छात्र उनका योग तो 810 है,
35 छात्रों का योग 525 है तो 10 का कितना है, तो आप निकाल लीजिए भाई सब में से 35 का घटा दीजिए, बचे 10 ही हैं तो इसमें से घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर कितना बचा 8, यहाँ पर 2, ये बचा 10 का योग कितना है 2 है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में। अब औसत निकालना है 10 का औसत, ये आपको लिखना नहीं है, वैसे मैं लिख रहा हूँ लेकिन आपको ये लिखना नहीं है। तो यहाँ पर 10 का औसत के लिए आपको कितना करना है 285, क्योंकि योग यही बचा है और औसत संख्या कितनी है 10, तो आपका आएगा 28.5, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, देखिए आपको यहीं पर कर लेना है, सबसे पहले ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लिखनी है, आपको केवल इतना सही करना है, ये 45 गुना 18 810, 35 गुना 15 525 घटाना है, घटा दिया, 10 कब निकालना है 10 का भाग दे दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 19 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 49 और अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है, शेष संख्याओं का निकालिए। देखिए इनका भी वही है, पहले टोटल निकाल लीजिए आप 46 गुणा 19, 5 संख्याओं का कितना है यहाँ पर 5 गुणा 49, ये 5 संख्याओं का है और ये कितने का है 19 संख्याओं का, ठीक है। 6 संख्याओं का निकाल लीजिए, 6 संख्याओं का निकाल लेते हैं हम, दिख रहा है 6 गुणा 54, यहाँ पर अगर आप इसको गुणा करते हैं तो 46 को 19 से गुणा करेंगे आप, तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आएगा 874, यहाँ पर 49 को 5 से गुणा कीजिए आप तो 45 5 20 24, ठीक है, 6 को गुणा कीजिए 24 2 30 और 2 32, ठीक है। अब इसमें से आप देखेंगे तो ये तो है 19 का, ये है 5 का और ये 6 का, तो 5 और 6 11 संख्याओं का हम निकाल लेते हैं, जोड़ दीजिए टोटल निकाल लीजिए, योग निकाल लीजिए 9 6 5। अब देखिए 19 में से 11 का तो ये आ गया, बची कितनी आपके पास में 8 संख्याएं बची, 6 और 5 11 हो गए, टोटल 19 थी जिसमें से 5 और 6 का तो हमने निकाल लिया, मतलब 11 का निकाल लिया, आपके पास में कितनी बची 8। और योग की बात करें तो भाई योग घटा दीजिए आप, देखिए 874 में से आपको पीछे दिख रहा 569 को घटाने पर कितना बचा आपके पास में, यहाँ पर बचा 205, किसका कितने का भाग देना है, कितनी संख्याएं बची है 19 में से 11 घटाएंगे 8, तो यहाँ पर अगर आप आंसर निकालते हैं तो इसका आंसर जो निकल के आएगा 8 × 2 = 16, एक मिनट कहीं ना कहीं गलती हो गई है, ये 200 नहीं 305 बचेंगे 300, तो 8 × 24 तीन बार, ठीक है 6 बचे और ये कितनी बार जाएगा 64, एक बचा 10 हो गया 2 और अच्छा एक अंक बाद में पॉइंट है 38, और वैसे देखेंगे तो 8 × 2 = 16, मतलब 38.12 के आसपास आएगा। यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए की 38.1 है और इसके हिसाब से ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर घटाने में आपने 3 की जगह 2 लिख दिया था। देखिए पहले आपको 19 संख्याओं का औसत निकालना है, ये योग निकालना है, तो 19 गुणा 46 किया 874, 5 संख्याओं के बारे में बता रखा है तो 5 का योग निकाल लीजिए 49 गुणा 5 245, फिर 6 संख्याओं का निकालना है 6 गुणा 54 324, 6 और 5 टोटल निकाल लीजिए, 5 का यहाँ 6 का यहाँ, तो इनका योग कर दीजिए 11 संख्याओं का आ गया 569। अब बची कितनी संख्याएं 8 संख्याएं, तो उनका योग निकालने के लिए भाई आपको 19 में से 11 का योग घटा दीजिए, कितना बचा 305। अब औसत निकालना है तो 8 का योग 305, 8 का भाग दे देंगे तो औसत निकल के आएगा आपके पास में 38.12, तो 38.1 आपके ऑप्शन में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ूंगा अभी प्रैक्टिस के लिए। 9 संख्याओं का औसत इतना है, 3 संख्याओं का औसत इतना है, जबकि अन्य 3 संख्याओं का इतना है, शेष 3 संख्याओं का, ये आपका सेम कॉन्सेप्ट से होगा।
ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। तो ये आपको सेम जो पिछले दो क्वेश्चन कराएं इसी हिसाब से रहेंगे, ये एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर 23 संख्याओं का औसत 45 है, 15 12 का इतना है, अंतिम 6 का इतना है, तो शेष सेम कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है, इसको भी आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 संख्याओं का औसत 58, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 63.6 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत इतना है, तो यदि प्रारंभ से 12वीं संख्या निकालिए, इसमें संख्या पूछी है, औसत नहीं पूछी, तो इसमें हम थोड़ा सा लगा लेते हैं, हालांकि सवाल वही है। देखिए 19 संख्याएं हैं, 19, तो पहले तो 19 का योग निकाल लीजिए आप, 19 का योग निकालेंगे आप, तो 19 का योग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 19 का योग निकालने के लिए आपको यहाँ पर 58 गुणा 19 करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको 58 गुणा 19 करेंगे तो ये आएगा 1102, मतलब 1102 आंसर आ गया आपका। अब क्वेश्चन समझिए, प्रथम 12, यहाँ पर ये 19 संख्याएं हैं, इसमें से यहाँ तक की 12 संख्याएं निकाल ली आपने, 12 संख्याओं का योग कितना है, तो 12 इनको यहीं लिख देते हैं, यहाँ पर आ गया ये वाला 12 संख्याओं का औसत निकालिए आप, योग निकालिए, तो 63.6 गुणा यहाँ पर 12, तो इस तरीके से आपको इन 12 टोटल की बात होगी। अब कौन कौन से संख्याएं दे रखी है वो देखें, हालांकि इसमें आपसे 12वीं संख्या पूछी गई है, तो आपको संख्या के लिए मैं थोड़ा सा ये रेखा बनाकर समझा रहा हूँ, अगर औसत पूछा जाता तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे आपका सेम निकलता। तो यहाँ पर 63.12 को आपको गुणा करना है, 63.6 × 12 करेंगे तो यहाँ पर आपके आएगा 763.2। क्लियर है। आगे क्वेश्चन, अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है, 55.1 है, तो अंतिम 8 संख्याओं का भी औसत यहां पर निकाल लेते हैं, कितना है 55.1 गुणा 8 40, 8.40 44, ये आपका आंसर आ गया तीनों। अब देखिए कितने कौन कौन से संख्याएं बनी, भाई शुरू की 12 की ये रही, अंतिम 8 की ये रही, टोटल कितनी थी 19, 19 में से देखोगे आप तो 12 यहां पर गई और 8 यहां पर आ गई, ये तो 20 संख्याएं हो गई, 20 हो गई कि नहीं हो गई, तो यहां पर संख्याएं तो एक ही 19 ही थी, लेकिन यहां पर टोटल 20 आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, क्योंकि यहां से यहां तक की ये 12 संख्याएं हो गई और पीछे से 8 तक की ये संख्याएं हो गई, तो यहाँ पर जो ये 12वें नंबर की जो संख्या थी वो यहाँ पर भी काउंट हो गई और यहाँ पर भी काउंट हो गई, इसलिए ये 19 की जगह क्या हो गई 20 काउंट हो गई। तो अगर टोटल की योग की बात करें तो यहाँ पर अगर 12 और 8 का भी योग करें तो ये 19 वाली जो संख्या है, जो सॉरी 12 नंबर की जो संख्या है, ये तो दो बार योग में आ जाएगी कि नहीं, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो यहाँ पर योग क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, और कितना ज़्यादा आएगा, एक बार 12 संख्या ज़्यादा जुड़ी है तो वही जो योग ज़्यादा आ रहा है वो कौन सी संख्या है, 12वीं संख्या है। तो इसी तरीके से कम भी निकालते हैं, जैसे यहां पर अगर मान लीजिए 6 ही लेते, 6 लेते तो यहां पर योग कम आता, यहां पर 12 यहां पर 6 तो एक संख्या छोड़ देते तो इनका योग क्या आता, कम आता, तो टोटल में से ये घटा देते तो जितना कम आता वही वो संख्या रहती। इसमें क्या है कि एक संख्या ज्यादा ले लिया हमने, यहां पर ये वाली संख्या दो बार काउंट ले लिया तो इनका योग ज्यादा आएगा, ज्यादा कितना आएगा, जो संख्या थी वो जितनी बार, मतलब ये वाली जो 13वें नंबर की जो 12वें नंबर की जो संख्या थी वो दोनों बार काउंट हुई है, दो दो बार काउंट हुई है, तो 12 नंबर की का मान आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि अब इसमें से 563.2440.8 इनको जोड़ोगे आप तो 1204 आ गए, कितने ज़्यादा आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गए आपके 13 संख्याओं का औसत क्या होगा अगर 12वीं संख्या निकाल दें हम, तो 12वीं संख्या अगर हम निकाल देते हैं तो औसत क्या होगा, तो ये है। तो अभी आपको क्या करना है, 12वीं संख्या निकालनी है, तो 12वीं संख्या देखिए, अभी तक क्वेश्चन सही है लेकिन हम
उसमें कि भाई हाँ हमें क्या निकालना है, 12वीं संख्या नहीं निकालनी, हमें संख्या निकालने के बाद में भी जो बची हैं संख्याएं उनका औसत निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इसको घटा देंगे आप, तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ से, दो और यहाँ पर एक, 102। 12वें नंबर की जो संख्या है वो आया है 102। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन ने आगे बोला यदि प्रारंभ से 12वीं संख्या निकाल दी जाए, प्रारंभ से 12वीं संख्या निकाल दी जाए, ये सब कुछ मिटा देता हूँ अब। तो 12वीं संख्या हमने निकाल दी, ठीक है, 12वीं संख्या कौन सी है 102, तो 19 संख्याओं का योग तो कितना था 1102, जिसमें से 12वीं संख्या हमने निकाल दी, तो 12वीं जो संख्या है वो घट जाएगी इसमें से, क्योंकि निकाल रहे हैं तो उसका मान घट जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1000, और संख्याएं कितनी बची 19 थी टोटल संख्या, 12वें नंबर की संख्या हमने घटा दी तो कितनी संख्याएं बची 18। अब इसको आपको मान निकालना है, तो 1000 में जब आप 18 का भाग दोगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा 55। तो यहां पर देखोगे तो 55 कहां पर है, आपके ऑप्शन नंबर बी पर है, तो ये आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर बचेगा 5 शेषफल और नीचे 9, ठीक है, वैसे 10/18 बचेगा काटने के बाद में आपको, 10/18 बचेगा काटने के बाद में आपको यहां पर बचेगा 5/9। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने थोड़ा डायरेक्ट को जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चनों की काफ़ी बार प्रैक्टिस की हुई है, तो इसलिए बाकी आप इसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर आपका यही आंसर आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 29 संख्याओं का औसत कितना है 38, पहली 19 संख्याओं का औसत कितना है 34, अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना है 48, 20वीं संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, यहां पर देखिए टोटल है 29, टोटल कितनी है 29, पहली 19 संख्याएं ये रही, कितनी है 19 संख्याएं ये रही, अंतिम 9 संख्याएं ये रही, तो अगर मैं यहां से पूछूं 29 और 9 कितने होते हैं, 29 और 9 कितने होते हैं, तो यहां पर आपका आंसर आएगा 28। तो टोटल संख्याएं तो 29 थी, लेकिन यहाँ पर तो योग मतलब जो संख्याएं आ रही हैं वो 28 आ रही है, तो कोई ना कोई सी एक संख्या छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे, यहाँ पर इसी संख्या को छोड़ रहे हैं, यहाँ से मतलब 19 संख्याएं तो आपने ले ली, ये कौन से संख्या है, ये 20वें नंबर की संख्या है जिसको आपने छोड़ दिया, तो 19 और 9 28 और ये 20वें नंबर की, तो इस तरीके से ये 29 संख्याएं हो गई। एक मिनट, ठीक है, 29 संख्याएं हो गई ये, तो ये 29 संख्याएं हो गई, और छोड़ी कौन सी है आपने, 20वें नंबर की संख्या छोड़ी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 20वें नंबर की संख्या ज्ञात करनी है कि ये 20वें नंबर की संख्या कौन सी है। तो अगर आपको जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, टोटल योग में से इनका योग घटा दिया था, क्योंकि पिछली बार तो ज़्यादा हो रही थी, तो इनके योग में से हमने ये योग घटाया था, ज़्यादा में से कम घटाना, आपको संख्याएं अपने आप मिल जाएगी, चाहे ऊपर वाली ज़्यादा हो चाहे नीचे वाली, अगर नीचे वाली ज़्यादा है तो ऊपर वाली को घटा दो, मतलब टोटल घटा दो, अगर ये ऊपर वाली मतलब टोटल ज़्यादा है तो ये नीचे जो आपको दी गई है कंडीशन उनको जोड़ के उनको घटा दो, आपको शेष संख्या बच जाएगी। तो दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है, आपको केवल समझने का अंतर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, इनका देखिए यहाँ पर कितना है, 29 संख्याओं का 38, 19 का 34 और 9 संख्याओं का औसत 48, निकाल लीजिए। पहले तो निकालता है सभी का सम कितना आता है, तो यहां पर 29 गुना 38 करेंगे तो यहां पर आएगा आपका 29 गुना 38 1102। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी शायद यही था, 29 गुना 38 नहीं, ठीक है, उसके बाद में ये निकालिए 19 संख्याओं को औसत निकालना है, तो 19 संख्याओं को औसत निकालेंगे 646, ठीक है, यहां पर 9 संख्याओं का औसत निकालना है 48 है, तो इनका योग निकालिए, 9 गुना 48 करेंगे तो 432, इन टोटल निकाल लीजिए इनको, 2 4 8 7 1008 तक,
मैंने बताया कि यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर कम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने एक संख्या छोड़ दी इसीलिए तो कम आ रहा है। और कितना कम आ रहा है, जो आपने संख्या छोड़ी है उतना ही कमाएगा। तो 1102 में से आप इसको घटा दीजिए, कितना बचता है, 20, 22 और 2, 24 बचता है। तो ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। किस तरीके से, 1102 में से आपको 1078 घटाना है, 12 में से 4 गए 4, यहाँ पर 9 में से 7 गए तो 2, तो यहाँ पर 24 बचा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 संख्याओं का औसत इतना है, पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, समीकरण को थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन आपका इसी में छुपा रहता है, ठीक है। चलिए, 5 संख्याओं का औसत आपके कितना है, 26.5। तो पहले तो इनका योग निकाल लीजिए आप, 26.4 × 5 20, 2, 32, 3, 10 और 13 एक अंक बाद में पॉइंट, तो 132 आ गया, ठीक है, इनका आ गया 132। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के पांचवें हिस्से के बराबर है। देखिए, टोटल योग इतना आया, पहली संख्या, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, पहली संख्या शेष 4 संख्या, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, और ये वाली जो संख्या है वो शेष इन दो चारों संख्याओं के योग के पांचवें हिस्से के बराबर है। पहली संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर मैं पहली संख्या मान लेता हूँ कि पहली संख्या क्या है, x है। तो अगर मैं बताऊं कि 5 का योग तो 132 है, तो यहाँ पर मैं क्या इस तरीके से 4 संख्याओं का योग निकाल सकता हूँ, तो भाई पाँचों का योग 132 है, आप इसको काउंट नहीं कर रहे तो इसका घटा दो इसमें से, तो ये आ गया 4 संख्याओं का योग। समझ में आ रही कि नहीं, पाँचवीं संख्या हटा दी, तो पाँचों के योग में से जो है पहली संख्या हटा दो, आपको 4 संख्याएँ बची, ठीक है, इनका योग ये आ गया। अभी इनको क्या करा है, इनके योग के पांचवें हिस्से के बराबर है, तो मतलब पांचवें हिस्से के बराबर मतलब 5 का भाग दे दिया इनके योग में। अब ये किसके बराबर है, ये है पहली संख्या के बराबर, और पहली संख्या क्या है, x है। तो इस तरीके से आपको ये समीकरण बनाना पड़ता है। एक बार फिर से समझिए, 5 संख्याओं का औसत 26.4 × 5 क्या, इनका योग आ गया 132, पाँचों संख्याओं का योग। फिर इसने बोला कि पहली संख्या 4 के योग के 1/5 में, तो पहले तो 4 का योग निकालो, तो 5 संख्याओं का औसत 132 था, अगर मेरे को इस पहली संख्या को छोड़ना है तो 4 पांचों के योग में से पहली संख्या घटा देता हूं, तो 132 में से मैंने पहली संख्या क्या थी, x, इसको घटा दिया, तो मेरे पास में क्या बता, 132 माइनस x बचा, ठीक है। इसके पांचवा हिस्सा निकालना है, तो इसमें मैंने पांचवा हिस्से के लिए 5 का भाग दे दिया, और ये किसके बराबर बता रहा है, पहली संख्या के, और पहली संख्या आपने क्या मानी है, x मानी है। अब आप इसका पक्षांतरण कर लीजिए, देखिए 5x = 132 माइनस एक्स इधर आएगा प्लस का, 5 और 1 6x हो गया बराबर 132। एक्स का मान अगर आपको निकालना है तो 132 में 6 का भाग दिए, 6 × 12 आपका आंसर आएगा 22। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा पेशेंस से समझना है, और क्वेश्चन में किस तरीके से जो है सॉल्व करना है, किस तरीके के आपको समीकरण दिया हुआ है, उस हिसाब से जो है आपको ये सॉल्यूशन करना है। ध्यान से समीकरण बनाइए, अगर आपका समीकरण एग्जैक्ट है तो आपको कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 3 संख्याओं का औसत 45 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर आपको निकालना है। चलिए ठीक है, 3 संख्याओं का औसत 45 है, तो पहले तो योग निकाल लेते हैं, किसका, 3 संख्याओं का योग, तो 45 को 3 से गुणा कीजिए, 12, 135 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, 3 × 45 कर दीजिए, ये तो आ गया। 3 संख्याएं देखिए, पहली, दूसरी और ये तीसरी, यहां पर अनुपात समानुपात का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट काम में आएगा, और वो आप इस तरीके से समझिएगा कि आपको किस तरीके से ये सॉल्व करना है, कि पहली संख्या है,
पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अगर ये पहली संख्या और दूसरी संख्या में रिलेशन देखें तो दूसरी संख्या अगर 1 है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी, 3 गुनी, मतलब 1 का 3 गुना 3 आएगा। ठीक है, बात आ रही है। अगर 2 है तो ये 3 गुना हो जाएगा 6। ठीक है, अगर ये 3 है तो ये कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। अभी मैं आपको इसमें थोड़ा सा समानुपात का जो है कॉन्सेप्ट आ रहा है, अनुपात समानुपात का, लेकिन अभी एक्सरसाइज हुई नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बता रहा हूँ। इसको आप रिलेट कर सकते हैं 1 अनुपात बनाकर। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, मतलब ये दूसरी और ये तीसरी, अगर ये 1 है तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है, तो ये कितनी होगी, 2। ये 1 है, 2 है ये, तो ये 4 होगी। ये 3 है तो ये कितनी होगी, 6 होगी। और ये 4 है तो ये कितनी होगी, 8 होगी। अब इनमें देखिए, ये 2 वाला कॉन्सेप्ट काम में कर रहा है कि भाई ये 2 है तो तीसरी संख्या क्या होगी, 1। तो यहाँ पर ये जो अनुपात निकल के आएगा वो 6:2:1 निकल कर आएगा। यहाँ से आपको रिलेट करना है कि भाई 3 देखिए यहाँ आ ही नहीं रहा, 1 यहाँ पर कहीं आ ही नहीं रहा, 2 आ रहा है तो 2 और तीसरी संख्या क्या है, 1, तो 2:1। अगर आपको इसको अनुपात समानुपात में निकालना है तो देखिए इस तरीके से निकालते हैं, जैसे पहली संख्या दूसरे की 3 गुनी है तो दूसरे की 3 गुनी, तो ये आ गया अनुपात। दूसरी संख्या पहली की दुगनी है तो ये आ गया। इसमें क्या करना है आपको, इन दोनों को गुणा करना है और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 = 6 और यहाँ पर 1, तो ये आ गया 6:2:1। ये इसकी देखोगे 3 गुनी, ये इसकी देखोगे 2 गुनी, यही तो कह रखा था। दूसरी संख्या पहले, दूसरी संख्या तीसरे की 2 गुनी, पहली संख्या दूसरे की 3 गुनी, यही तो कह किया था। तो जो अनुपात निकल के आया वो 6:2:1 निकल के आया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अनुपात को अगर संख्या, देखिए संख्या से अनुपात कैसे बनता है, काटते जाते हैं, जो भी समान संख्याएं हैं उनको काटते जाते हैं और अनुपात निकलता जाता है। जब कुछ भी कटने के लिए नहीं बचता वही इसका क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। तो अगर मैं बताऊँ कि अगर इनको आपको संख्या बनानी है तो संख्या कैसे बनाओगे, भाई इनमें से कुछ ना कुछ आपने काटा है, जो सेम था, जो समान था उसको आपने काट दिया। तो मैंने मान लिया कि भाई एक्स था तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये 6x हो गया, ये 2x हो गया और ये x हो गया, तो ये संख्याएं थी। फिर आपने क्या किया था, ये जैसे xx काट दिया तो आपके पास में अनुपात बता 6:2:1। तो ये संख्याएं हैं और इनका योग देखोगे आप तो 6 और 2 = 8 और 1 = 9x हो गया। और 9x किसके बराबर हो गया, योग तो कितना 135 के बराबर है। x की वैल्यू निकालोगे आप तो 9 × 9 = 9, 9 × 5 = 45, 15 × x की वैल्यू। क्या पूछा गया था, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर, पहली संख्या कितनी है 6x और दूसरी संख्या कितनी है 2x, अंतर के लिए आपको क्या करना है, घटाना है, तो बचा 4x, x की वैल्यू आपने निकाल ली तो कितना आ गया आंसर आपका, 60, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये आपका डिटेल में हो गया। निकालना किस तरीके से है, आपको केवल कुछ नहीं करना, ये संख्याएं हैं, अनुपात निकालना है। अनुपात आपको मैंने बताया 6:2:1 आएगा। पहली और दूसरी का अंतर पूछा था 4 यूनिट, 1 यूनिट कितने के बराबर, 15 के बराबर, 4 यूनिट किसके बराबर, 60 के बराबर। इस तरीके से ये काम में लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याओं का औसत 60 है, पहली संख्या शेष संख्याओं के योग की 1/3 है, सेम समीकरण है, आपको बनाना है, किस तरीके से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, 13 और 43 के बीच उन संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाजित है। तो यहां पर आपको संख्याएं ढूंढनी है। देखिए 13 और यहां पर 43, इनके बीच में ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाजित है, जिनमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी। देखिए 14 में नहीं जाएगा, 15 में 3 का भाग जाएगा, तो पहली हो गई 15, उसके बाद में 3 का पहाड़ा ही बोलते जाइए आपको, या टेबल बोलते जाइए, 18 में जाएगा, 21 में जाएगा, 24 में जाएगा, उसके बाद में कितने में जाएगा, उसके बाद में जाएगा आपके 27 में, फिर 30 में, फिर 33 में, फिर 36 में, फिर 39 में, और उसके बाद में कितने में जाएगा, 39 के बाद में आपका जाएगा 42 में, और 43 के बाद में तो आपको लेना
है ही नहीं। तो कौन कौन से संख्या आएंगी, 13 के बाद में 15 है, 15, 18, फिर 3 की टेबल आपको काउंट कर देनी है जब तक 43 ना आ जाए। तो 42 के बाद 43 आता है, 43 से ऊपर हमें जाना नहीं है। तो ये संख्या आ गए, इनका औसत निकालना है। तो यहाँ पर देखोगे आप तो अंतर सब में सेम है 3-3 का। तो औसत के लिए आपको कौन सी निकालनी है कि सबसे बीच की संख्या निकालिए। देखिए 3 छोड़ा इधर, ये 3 छोड़ दिया, फिर 2 छोड़ा, फिर 2 छोड़ दिया, और इनके बीच में आपका उत्तर आएगा। तो उत्तर निकाल लीजिए आप, उत्तर कैसे आएगा आपका उत्तर, तो ये देखिए 27 और 30 के बीच में कौन से संख्याएं आती हैं, 28, 29, और इनके बीच में भी कौन से संख्याएं आएगी, 28.5, ऑप्शन नंबर बी। अगर ऐसे नहीं निकालना तो इनका औसत निकाल लीजिए। 27 और 30 कितने हो गए यहाँ पर आपके, ये हो गए 57, बटे 2 करेंगे तो 28.5। इजी सा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अब आपको ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, प्रथम 7 वर्ग जो है आपको प्राकृतिक संख्याओं के, पहले प्राकृतिक संख्याएं देखनी है, उसके बाद में उनका स्क्वायर करना है, उनके बाद में आपको क्या करना है, योग करना है उनका, और 7 का भाग देना है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला आएगा जो हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर प्रथम जो है आपको 7 जो वर्गों की संख्याएं हैं, क्यूब की संख्याएं हैं, उनके जो है योग का फॉर्मूला वहाँ पर दिया जाएगा। तो पहले देखिए प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनका स्क्वायर, ये देखिए इनका हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब इनका योग कर दीजिए आप, योग कर दिया, और कितनी संख्याएं हैं, 7। तो अब इनको सॉल्व करके एक तरीके से तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, इस तरीके से आपको करना है, प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जब भी लगातार संख्याओं के वर्ग को अगर देखना हो तो एक फॉर्मूला आता है n n+1 2n+1 अपॉन 6, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है, n n+1 2n+1 अपॉन 6। यहाँ पर n क्या है, वो वहाँ तक की संख्या है जहाँ तक आपको निकालना है। जैसे यहाँ पर अभी 7 संख्याएं लेनी है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 7। तो 7 7+1 कितना हो जाएगा, 8, 7 × 2 = 14 और 1 = 15, बटे 6, 2 से काटिए ये 4 बार, ये 3 बार, ये कटा 5 बार, 20 और 7, 20 को 7 से गुणा कीजिए, 20 को 7 से गुणा किया तो 140, ये 140 आपका आंसर नहीं है, ये तो अभी यह तक हमने योग निकाला है, मतलब इस लाइन का सॉल्व किया है। अब आपको क्या निकालना है, औसत। तो योग ये आ गया, तो संख्या कितनी है, 7, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 20, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ये फॉर्मूला केवल योग के लिए है, योग आपने निकाला है, 140 निकाल लिया। अब औसत निकालना है इनका, देखिए औसत पूछा गया है, तो औसत के लिए क्या करेंगे, योग बटे संख्या कितनी है, 7, तो यहां पर आपका आंसर 20 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, संख्याओं और 4 भाज्य संख्याओं का औसत का अनुपात आपको निकालना है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालो, फिर 4 भाज्य संख्याओं का औसत निकालो, फिर उनका अनुपात आपको निकालना है। तो देखिए प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, सबसे पहले तो वो देखिए, देखिए अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, जैसे 1, हाँ 1 अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती, तो ये गलती ना करें, 2, 2 में ही 2 का भाग जाता है और किसी का नहीं जाता, 1 को आप छोड़ दे दो। उसके बाद में 3, 3 में भी 3 का और 1 का जाता है। उसके बाद में 5 और उसके बाद में 7, ये संख्याएं हैं, ठीक है, इनमें आपका केवल क्या जाता है, इनके अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। और बटे में क्या निकालना है आपको, 4, क्योंकि औसत निकालने के लिए 4 का भाग, ठीक है। अनुपात, प्रथम 4 भाज्य संख्याएं, अब इसमें 1 फिर से काउंट नहीं होगी, तो 1 जो है भाज्य संख्या नहीं मानी जाती, 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। तो पहली भाज्य संख्या देखिए 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 2, 3 तो आपने यहीं ले लिए, तो कितनी है, 4 है, 5 ये आ गया तो 6, 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, फिर 8, 8 में 2 का चला जाएगा, फिर उसके बाद में 9, 9 में कितना किसका जाएगा, 3 का जाएगा, तो ये हो गई आपके। और इनका औसत निकालने के लिए किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। अब आप देख लीजिए अनुपात का मतलब, जो
सेम है उसको काट दो, 5 और 5 10 और ये आ गए 17, अनुपात 10 18 18 और ये आ गए 27। तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आया वो 17:27 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप इनको अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कर दोगे, मान लो कि 4 भाज्य संख्याओं को इधर ले लिया, भाज्य संख्याओं को इधर ले लिया, तो आपका 27/ कितना आ जाएगा, 17, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। हालांकि इसमें है नहीं, लेकिन ऑप्शन इस तरीके से भी होता है कि कभी कभी हम जल्दीबाजी में इस सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखते, जिस सीक्वेंस से हमने क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, और हम सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, ऑप्शन आपका गलत आ जाएगा और क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्याएं ले, पहली और दूसरी संख्या के अतिरिक्त शेष संख्याओं को 3 से गुणा करें, इस प्रकार से बनने वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का अप्रोक्स 1 घंटे की जो है क्लास होगी है, तो ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी हम अगली क्लास में जो है प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा। तो क्लास में रेगुलर बने रहे, दोस्तों के साथ में शेयर करें वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 5 से शुरू 10 क्रमिक विषम संख्याएं 5 से शुरू करनी है, तो यहाँ पर 5 भी कंसीडर होगी, ठीक है। 5 के बाद का बोलता है तो 5 कंसीडर नहीं होती, लेकिन 5 से शुरू करनी है, तो यहाँ पर 5 से शुरू होगी, 5, अगली विषम संख्या 7, अगली 9, फिर 11, फिर 13, 15, 17, 19, 21, 23, कितनी हो गई, 3 और 3 6 3 9 और 1 10, ये 10 हो गए, ठीक है ना। 23 संख्याएं ले ली। अब इन आगे देखिए, पहली और दूसरी संख्या के अतिरिक्त, मतलब इन दोनों के अलावा, तो पहली दूसरी को छोड़ दीजिए, अतिरिक्त संख्याओं के शेष संख्याओं को 3 से गुणा करना है। इनको हमें किससे गुणा करना है, 3 से गुणा कर देना है। तो 9 3 27 33 41 51 57 63 और यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9 3 2 69। और पहली तो 5 थी और दूसरी क्या थी, 7 थी, ठीक है। आगे पढ़िए, इस प्रकार से प्राप्त 10 संख्याओं का औसत निकालिए। अब इन संख्याओं का आपको क्या निकालना है, औसत, तो इनका योग कर दीजिए, संख्याएं तो 10 है, 10 का क्या दे देना है, भाग दे देना है। देखिए योग कीजिए, आपको डायरेक्ट करना है, ऐसे नहीं जोड़ना, 9 और 3 12 12 और 7 कितने हो गए 19 और 1 20 और 5 25 25 और 45 46 और 7 कितने हो गए 51 51 और 5 कितने हो गए 51 और 5 हो गए आपके 56 56 का 6 5 बचा 5 और 6 11 11 और 6 कितने हो गए 11 और 6 हो गए आपके 56 56 का 6 5 बचा 5 और 6 11 11 और 6 कितने हो गए 11 और 6 हो गए आपके 11 और 6 17 17 और 5 कितने हो गए आपके 22 22 और 5 कितने हो गए 27 27 और 4 31 31 और 3 34 और ये हो गए 37 39। तो यहाँ पर कितना आया आपका योग 396। औसत निकालनी है, ये योग आ गया, संख्याएं कितनी है, संख्याएं तो 10 आई, तो 10 का भाग दे दिया, 10 है, तो यहाँ पर एक अंक बाद में क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ये आ गया, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। तो ये आपके इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर ज़रूर करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी शेयर करते रहता हूँ, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन भी आते रहते हैं आप लोगों के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी एक और क्लास हम लेंगे और वो कल लेंगे।